तो आज हम नया यूनिट गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल की स्टडी कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग हमारे पास केपलर के ग्रहों के नियम से होती है। ये जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये न्यूटन ने डिस्कवर क्या किया था या खोजा था, उसके पहले केपलर ने ग्रहों के नियम दिए थे। तो वो नियम तीन है। इस नियम के अनुसार ये आ जाता है, कोई भी ग्रह, सबसे पहले तो बात ध्यान रखिए, ये केवल ग्रहों के लिए है, उपग्रहों के लिए नहीं है। तो देखिए, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करता है और सूर्य उसके एक फोकस पर रहता है। केपलर ने यह बता दिया है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। अभी 11th मैथ में आप देखेंगे कि ये दीर्घ वृत्ताकार कहलाता है और इसके दो फोकस होते हैं। तो सूर्य को किसी एक फोकस पर आप मान लीजिए, ये हो गया। और कोई भी ग्रह, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, इसके इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या करती है, गति करती है। दूसरा होता नियम ये है, सूर्य एवं ग्रह को मिलाने दूर तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल करती है। तो देखिए, ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग हो गया। मान लो ये सूर्य है यहाँ पर, और सूर्य मान लो इधर पर है, कोई ग्रह यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ पर, ये हो गया ए बी। यह है मान लो ये, जब सूर्य दूर कोई ग्रह दूर होता है तो उसका समय, अगर मैं होता समान समय अंतराल की बात करूं, तो ये मेरे पास ये आ जाता है समान अंतराल में क्या हो गया हमारे पास, क्षेत्रफल एस ए बी बराबर क्षेत्रफल एस सी डी।
कोई भी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल ट्रेवल करता है, एस ए बी बराबर एस सी डी के मान के बराबर हो जाता है। नंबर थर्ड, किसी ग्रह का के आवर्त काल का वर्ग ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा काल का वर्ग ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के धन के समानुपाती होता। मान लो ये सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह यहाँ चक्कर लगा रहा है और उसको लगा हुआ समय टी है और ये डिफरेंट दूरी पे तय करेगा, तो ये दूरी का एवरेज मैंने आर ले लिया, आवर्तकाल टी ले लिया, तो किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा के घन के समानुपाती होता है। ये केपलर के ग्रहों के नियम है। इसके होता बेस पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम तो लिखे ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान पिंडों के द्रव्यमानों के गुणन बल के समानुपाती और देखिए ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता। देखिए हमने यहाँ पर दो पिंड लिए, ये छोटे लिए, इनकी दूरी हमने सेंटर से नापी है, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 और इनके बीच की दूरी r के मान के बराबर है, तो इनके बीच में
लगने वाला आकर्षण का बल F समानुपाती इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती M1 into M2 और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा न्यूटन ने बताया। इसलिए इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो F समानुपाती M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलिए, क्योंकि F बराबर F समानुपाती कितना है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इसलिए F बराबर हो जाता है कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए, ये हमेशा आकर्षण का बल होता है, ठीक है। देखिए ये आकर्षण का बल है, दूसरा यह है सबसे कमजोर बल है, जी बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुणांक कहलाता है। तो ये आपके पास दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल है, जिसे न्यूटन ने खोज किया था। इसको आप इतना नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इसी को आगे और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे।